DSL के पैशन को प्लस करते जाएं. Only on Remy Speaks, brought to you by Zira Plus. मुल्तान में मैचेस लाजवाब हो रहे हैं. एक और क्लोज एनकाउंटर, मुल्तान सुल्तान्स ने एक इम्पॉसिबल सिचुएशन से वापसी की, मगर एंड में लाइन के उस पार ना जा सके. सो मैच में क्या हुआ, क्या टर्निंग पॉइंट्स थे, क्या प्लस मोमेंट थे, आपसे सब डिस्कस करेंगे. जीरा प्लस मोमेंट ऑफ द मैच. देखिए, वैसे तो पेशावर जलमी की सारी बॉलिंग अटैक है, क्योंकि सब बॉलर्स ने विकेट्स लिए, मोस्ट ऑफ देम ने, मगर जो स्टैंड आउट परफॉर्मर थे वो थे ल्यूक वुड. लेफ्ट आर्म का एंगल और सब खाने इन्होंने टिक किए. अगर आप टेम्परमेंट की बात करें, टेम्परमेंट दिखाया, 4 ओवर्स में 13 रन और 2 विकेटें, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस होती है. फिर अटैक का माइंडसेट भी था और डिफेंस का माइंडसेट भी था, और टेम्परमेंटली स्ट्रांग थे, क्योंकि जब प्रेशर पड़ता है तो बॉलर्स तितर बितर हो जाते हैं. नवीन उल हक लास्ट ओवर जब कर रहे थे तो लग रहा था कि प्रेशर उन पे हो गया. 2 वाइड बॉलें उन्होंने करवाई, उसके बाद जब गेंद बीच में किया तो इफ्तिखार ने की लपेट में आ गए. 2 चौके 1 छक्का, मैच हाथ से निकल जाना था. फिर तो वो लेंथ बॉल के ऊपर कॉट बिहाइंड हुए. वो पेशावर जलमी की ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेड बाय ल्यूक वुड. शानदार इनकी बॉलिंग थी. स्ट्रॉन्ग ब्लेंड ऑफ लिप्टन, क्योंकि चाय चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए. लिप्टन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच. मेरे हिसाब से बाबर आजम की कप्तानी और टीम सिलेक्शन. देखिए, 4 चेंजेस करनी एक बहुत बड़ा आप रिस्क उठा रहे होते हैं, और पिच कंडीशंस को सामने रख के, ऑपोजिशन को सामने रख के, और बड़ी जल्दी टूर्नामेंट में इतनी मैसिव चेंजेस की है और उसको फल मिला है. क्योंकि 3 बॉलिंग में चेंजेस थी, एक हसीबुल्ला को खिलाया, वॉल्टर को खिलाया, नवीन उल हक को खिलाया, इसी तरह से आरिफ याकूब लेग स्पिनर को खिलाया. सो बहुत सारी चेंजेस, और सारे चेंजेस जो हैं वो बहुत ही अच्छी थी और टाइमली थी, मैं कहता हूँ, इसलिए कि एक तरह से फ्रेशनेस आ जाती है. हसीबुल्ला ने बाय द वे बहुत अच्छी बैटिंग की, और उनकी जो पार्टनरशिप थी बाबर आजम के साथ, उसने इस इनिंग्स को यहाँ तक पहुँचाया, और अट्रैक्टिव भी बैटिंग की, पहले से बहुत इम्प्रूव वो बल्लेबाज हैं. सिर्फ ये 30 करके हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना, ये आउट हो जाते हैं, या 40 करके, इनको मैच पूरा लेके जाना है. सो आपको अपने मोमेंट्स पिक करने, और हसीबुल्ला ने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली थी, आराम से 60-70 कर सकते थे और मैच यकतरफा बना सकते थे, और यही चीजें सीखनी है, और ये आपको बाबर आजम के होते हुए जल्दी से सीखनी है, क्योंकि वो ऐसी अपनी इनिंग्स बनाते हैं. सो उनसे बहुत कुछ आप सीख भी सकते हैं, और हसीबुल्ला तो खासे लकी थे कि उनके साथ उन्होंने बैटिंग की और पार्टनरशिप लगाई. सो आगे चल के ऐसे विकेट थ्रो नहीं करनी है. मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो लिए बाबर आजम ने, और अपनी कप्तानी, क्योंकि टाइट मैच में हाथ पाव फूल सकते हैं, कैचेस भी छूटे, इसके बावजूद जो है ओवर द लाइन मुल्तान में लेके जाना अपनी टीम को और मुल्तान सुल्तान्स को हराना, ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी. गिगली टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच, इफ्तिखार अहमद की विकेट. देखे, वो मुकाबला ले गए थे, फॉर्म भी लगी हुई है, खौफ भी आता है उनसे, क्योंकि आप एरर नहीं कर सकते हैं, आपके पास गलती की गुंजाइश बहुत ही कम होती है. और देखा, नवीन उल हक ने वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की, तो 1 और 2 वाइड मिले. उसके बाद जैसे ही उन्होंने गेंद उनकी रेंज में किया, तो 2 चौके 1 छक्का, और मुकाबला जो था वो बहुत करीब ले आए. वो तो एक बहुत ही अच्छा गेंद किया नवीन उल हक ने, बहुत अच्छा कमबैक था, लेंथ के ऊपर बॉल किया, आउटसाइड एज लगी, वो कीपर ने सिर्फ सुनी, उन्होंने अपील की, क्योंकि बॉलर को सुनाई नहीं दिया शायद कॉट बिहाइंड, रिव्यू के ऊपर जो है वो एज दिखी और वो आउट हो गए. ये टर्निंग पॉइंट था. देखिए, ऐसे प्लेयर जो है वो जब उनका उनकी गुड्डी चढ़ी होती है, जब उनका दिन होता है, तो कहीं से भी मुकाबला खींच के ले जा सकते हैं, क्योंकि इतना सेल्फ बिलीफ होता है. और इफ्तिखार को ऐसी सिचुएशन में अब बैटिंग करनी आ गई है, खासतौर पर अगेंस्ट पेस. स्पिन के ऊपर वो फंसते हैं, मगर मीडियम पेस को वो बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं. तो नवीन उल हक बाल बाल बच गए, बाबर आजम बाल बाल बच गए, क्योंकि एक शॉट दूर थे मैच जिताने से, मगर वो जो विकेट थी मैच बना के जो आउट हुए, वही टर्निंग पॉइंट था, वही एक क्लिंचर था, क्योंकि अदरवाइज ये मैच हाथ से निकल गया था. चाहिए, चाहिए।